और मैं पहली बार इतनी बड़ी और हैवी गाड़ी चला रहा हूँ, काफ़ी सही लग रहा है। और सामने का व्यू जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार भी मिल रहा है दोस्तों, लग रहा किसी हाथी बैठा हूँ दोस्तों, ऐसा फील आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज मैं टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ सफारी का, देख सकते हैं मेरे सामने ये गाड़ी खड़ी है टाटा सफारी, बहुत ही शानदार गाड़ी है दोस्तों। तो आज इसका हम ड्राइविंग रिव्यू और डिटेल्स वीडियो बना रहे हैं टाटा सफारी पे। गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं दोस्तों, कितना शानदार लग रहा है फ्रंट प्रोफाइल देखिए गाड़ी का। तो दोस्तों ये है 2021 का ऑल न्यू टाटा सफारी। जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये सफारी का 6 सीटर वाला XZ प्लस वेरियंट है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देते हैं आपको गाड़ी का एक ओवरव्यू। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी कितनी शानदार लग रही है। गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बोल्ड और मैसिव बनाया गया है दोस्तों। गाड़ी का फ्रंट ग्रिल ट्राई एरो डिज़ाइन में दिया गया है जिसमें टाटा का एक बड़ा सा लोगो मिलता है और ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी सिंपल और बोल्ड रखा गया है दोस्तों। इस गाड़ी में आपको एक बड़ा सा हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलेगा जिसमें हाई बीम लाइट में हैलोजन मिलता है और इसके लोअर बीम में प्रोजेक्टर LED लाइट दिया गया है। इस हेडलैम्प यूनिट में सबसे नीचे की ओर आपको मिलता है फॉग लैम्प। गाड़ी में सबसे ऊपर एक बड़ा सा LED DRL मिलता है जो एज अ टर्न इंडिकेटर भी काम करता है, यानी कि डुअल फंक्शन वाला। और सबसे नीचे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलता है दोस्तों। अब ले चलते हैं आपको हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर और सबसे पहले बात करेंगे टायर प्रोफाइल की। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का टायर साइज़ 18 इंच का है और साथ ही आपको अलॉय व्हील भी दिया गया है और इसका टायर साइज़ 235/16R है। अब आप सफारी का कंप्लीट साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। ब्लैक कलर का ऑटोमेटिक ORVM मिलता है विथ LED टर्न इंडिकेटर। क्रोम हैंडल के साथ गाड़ी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोअर विंडो गार्निश भी दिया गया है। ड्राइवर साइड डोर में आपको गाड़ी का लॉक अनलॉक सेंसर भी देखने को मिलता है। गाड़ी के टॉप में आपको रूफ रेल के साथ एक बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलता है और साथ ही मिलता है आपको शार्क फिन एंटीना जो कि ब्लैक कलर में दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। रूफ रेल गाड़ी के सी पोर्शन से अटैच है और इसमें क्रोम पट्टी भी दी गई है। देखिए कितना स्पोर्टी लुक दे रहा गाड़ी को। गाड़ी के रियर में आपको सबसे ऊपर स्टॉप लैम्प, उसके नीचे वाइपर मिलता है, बिल्कुल बीच में एक टाटा का लोगो दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और सबसे नीचे मिलता है सफारी और सबसे नीचे सफारी की बैजिंग मिलती है दोस्तों। साइड में मिलता है आपको LED टेल लैम्प विथ टर्न इंडिकेटर। ये LED टेल लैम्प दोस्तों अल्ट्रोस और हैरियर में भी दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे नीचे में आपको मिलता है रिफ्लेक्टर लाइट और उसके नीचे मिलता है आपको रियर स्किड प्लेट। दोस्तों टाटा सफारी के इस वेरिएंट में पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है जिसका स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर डोर साइड की, जिसमें आप सबसे नीचे डोर ओपन अलर्ट लैंप देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ स्टोरेज देखने को मिलेगा, साथ में एक मैसिव डोर हैंडल मिलता है, पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर में दोस्तों मिलता है देखने को ORVM कंट्रोल और यहाँ दिया गया है इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन। आप देख सकते हैं ये गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसमें दिया गया है टाटा का यूनिक फीचर ड्राइविंग मोड वाला। और बीच में कुछ कप होल्डर और स्टोरेज मिलते हैं। सबसे ऊपर आपको म्यूजिक सिस्टम और AC का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का डैशबोर्ड सिंगल ब्लैक टोन में आता है लेकिन गाड़ी के जो डोर हैं वो डुअल टोन कलर में दिए गए हैं जिसमें एक वाइट और ब्लैक कलर दिया गया है। देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। गाड़ी के स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल दिए गए हैं जिसमें एक तरफ क्रूज कंट्रोल दिया गया है और दूसरी तरफ म्यूजिक कंट्रोल के साथ साथ वॉइस कमांड कंट्रोल बटन भी दिया गया है। गाड़ी में एक बड़ी स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है जिसपे आप सारे कंट्रोल और सारी सेटिंग देख सकते हैं। ड्राइवर सीट का हाइट एडजस्टमेंट कंट्रोल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, आप देख सकते हैं, जिसको आप आराम से आगे पीछे और ऊपर नीचे बिना किसी एक्स्ट्रा इफर्ट के कर सकते हैं। गाड़ी का ग्लव बॉक्स कूल्ड दिया गया है और इसमें एक लाइट भी दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। सफारी के इस वेरिएंट में आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है
जिसे टाटा इरा कहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सनरूफ कंट्रोल के फीचर दिए गए हैं और ये आपका केबिन लाइट दिया गया है। तो दोस्तों ये है इसका ऑटो होल्ड, ये देख सकते हैं आप, और ये इसका हैंड ब्रेक है दोस्तों, यहाँ से इसका हैंड ब्रेक एक्टिवेट हो जाता है। और बाकी ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो आपका ये देख सकते हैं 6 ट्रांसमिशन गियर साथ आता है। और ये है इसका ड्राइव मोड, बाकी इसका ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ दे रखा है दोस्तों। ये मैंने सनरूफ ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। गाड़ी की सीट वाइट कलर में है जो लेदर सीट कवर के साथ आता है। इसका कुशनिंग काफ़ी शानदार है और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको गाड़ी के सेकेंड रो सीट पर। गाड़ी के सेकेंड डोर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम हैंडल दिया गया है और क्रोम हैंडल के साथ आपको पावर विंडो मिलता है। पावर विंडो के साथ एक ट्विटर दिया गया है और सबसे नीचे आपको एक स्पीकर दिया गया है और ये स्पीकर JBL का है। तो दोस्तों जैसा कि ये सफारी का 6 सीटर वर्जन है, तो आप देख सकते हैं सेकेंड रो सीट में 2 अलग अलग सीटें दी गई हैं और काफ़ी शानदार लग रहा है। ये 2 अलग अलग सीटें हैं इसलिए आप देख सकते हैं 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, साथ में ढेर सारा स्टोरेज स्पेस भी बचता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। दोस्तों अब ले चलते हैं आपको गाड़ी के थर्ड रो सीट पर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं थर्ड रो पर बैठने वाले पैसेंजर के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं AC वेंट दिया गया है जिसका फ़ैन का फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ स्टोरेज दिया गया है, बॉटल होल्डर भी दिया गया है साथ में। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे JBL का स्पीकर दिया गया है। ये थर्ड रो सीट है और इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर केबिन लाइट भी दी गई है और ये आपका सनरूफ है और ये है गाड़ी का कंप्लीट इंटरनल व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम गाड़ी के थर्ड रो सीट का कंफर्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, देखते हैं यह एक एडल्ट के लिए कितना कंफर्टेबल है। कैसा स्पेस है? स्पेस अच्छा है सर, तो देख सकते हैं गाइस हेडरूम काफ़ी ठीक ठाक मिल रहा है और लेगरूम आप देख सकते हैं लेगरूम भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि पीछे वाली सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देखिए भाई का पैर पूरा ऊपर है तो लग नहीं रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी में काफ़ी आराम मिलेगा। तो भाई लोग जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के थर्ड रो सीट में थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी पड़ी थर्ड रो सीट पर बैठ के तो आपकी हालत बिल्कुल ख़राब होने वाली है। ज़्यादातर 6 सीटर और 7 सीटर की गाड़ियों में मैंने देखा हुआ है दोस्तों जो थर्ड रो सीट होती है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है। मतलब एक बस फॉर्मेलिटी के लिए जैसे लगता है कि वो सीटें दे दी हैं, आप वहाँ बैठ के बिल्कुल भी कंफर्टेबली ट्रेवल नहीं कर सकते हो जैसा कि आपने देखा ही। अगर गाड़ी का थर्ड रो सीट स्टैंडिंग पोजिशन में है तो गाड़ी में बूट स्पेस बिल्कुल नाममात्र बचता है जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बाकी अगर गाड़ी का थर्ड रो सीट आप फोल्ड कर देते हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी में आपका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर भी आपको एक JBL का स्पीकर देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको 2 USB सॉकेट देखने को मिलते हैं चार्जिंग के लिए और यहाँ पे AC वेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप गाड़ी का कंप्लीट इंटरनल व्यू देख सकते हैं पूरा आगे तक। गाड़ी की की आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, लॉक करने पर रिस्पॉन्स करता है दोस्तों, ये लॉक हो गया, ये है अनलॉक के लिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ से लाइट जल जाती है, इसकी को दबाने पर फॉलो मी होम हेड लैम्प है ये, और यहाँ से गाड़ी का बूट चलता है। हे दोस्तों, तो दोस्तों आज हम ड्राइविंग रिव्यू करने वाले हैं टाटा सफारी का। देखिए टाटा सफारी के अंदर बैठा हूँ, अब गाड़ी चलाने जा रहे हैं हम लोग। टाटा सफारी का ये 6 सीटर वाला XZ वेरिएंट है जो 2.0 लीटर कायरोटेक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आता है जो 170 PS की मैक्सिमम पावर और 350 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये एक काफ़ी दमदार इंजन वाली गाड़ी है जिसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सफारी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है जिसका एक्स शोरूम प्राइस 15 लाख से शुरू होकर के 22 लाख तक जाता है। तो दोस्तों अभी हम ड्राइव कर रहे हैं टाटा सफारी। तो दोस्तों गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी शानदार है, चलाने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये, स्टीयरिंग रिस्पांस काफ़ी अच्छा है इसका और मैं पहली बार इतनी बड़ी और हैवी गाड़ी चला रहा हूँ, काफ़ी सही लग रहा है। और सामने का व्यू जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार व्यू मिल रहा है दोस्तों, लग रहा किसी हाथी बैठा हूँ दोस्तों, ऐसा फील आ रहा है। बहुत ऊँची गाड़ी है दोस्तों, बिल्कुल मज़ा आ रहा है और व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है सामने से, गाड़ी चलाने में काफ़ी शानदार है। ये मैं चला रहा हूँ इसको सिटी मोड में
अभी मैं वो मोड चेंज करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा अभी कि और मोड में गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए टाटा ने ड्राइव मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें सिटी, इको और स्पोर्ट मोड के साथ साथ वेट मोड और रफ रोड ड्राइव मोड भी देखने को मिलता है। गाड़ी में दिया गया वेट मोड आपको कच्चे, गीले और बरसाती मौसम में गाड़ी की हैंडलिंग में हेल्प करता है। टाटा सफारी की जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ दोस्तों, ये एक्सजेड प्लस वेरियंट है, हालांकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, देख सकते हैं आप। मैं पांचवा गियर डालता हूँ दोस्तों, तो देखते हैं। हाँ, गाड़ी मस्त भाग रही है दोस्तों, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी ठीक है। दोस्तों, गाड़ी का इको मोड एक हद तक ठीक है, लेकिन इसके सिटी मोड की ड्राइविंग काफ़ी बेहतर है। ये इको मोड और स्पोर्ट मोड के बीच का एक बैलेंसिंग मोड है। अभी मैंने गाड़ी चलाई सिटी ड्राइव मोड में, अब मैं वापस चला रहा हूँ इसको रफ रोड मोड एक्टिवेट हो गया है, तो मैं इसमें गाड़ी चला के देखता हूँ स्टीयरिंग कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है दोस्तों। आप इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं, टाटा का इंजन है और टाटा की गाड़ी का कैसा रैप कर रहा है इंजन। ये रफ रोड में दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा हैवी हो गया है, लेकिन दोस्तों टाटा सफारी तो अपना असली कमाल स्पोर्ट मोड में दिखाती है। तो अगर आप फन या फास्ट ड्राइविंग मूड में हैं तो ये मोड आपके लिए ही बना है। स्पोर्ट मोड का डिफरेंट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको तुरंत ही फील होता है, तो गाड़ी को इस मोड में आपको ज़्यादा पावर मिल गाड़ी के स्पोर्ट मोड में आपको ज़्यादा पावर मिलता है और एक्सेलरेटर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है दोस्तों, और फिर आपके गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। और मैंने छठवा गियर भी डाल दिया दोस्तों गाड़ी में, अब देखिए काफ़ी सही चल रही है ये, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। भाई जो अपना टेस्ट ड्राइव, क्या नाम भाई आपका? भाई अपना पीयूष भाई टेस्ट ड्राइव देने के लिए आया था, तो थैंक यू पीयूष भाई, आपने टाटा सफारी की टेस्ट ड्राइव दी है। तो टाटा सफारी के ड्राइविंग का अगर आप मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात करेंगे तो गाड़ी की बैलेंसिंग काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसका स्टीयरिंग उतना स्मूथ नहीं है जितना कि मेरे हुंडई क्रेटा का है। गाड़ी का क्लच आपको थोड़ा हैवी फील होता है और गियर शिफ्टिंग में भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। मेरे दोस्त जो पीछे बैठे हुए काफ़ी सहमे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं सब। सही है दोस्तों, तो आज हम जिस शोरूम पे आए हैं वो है गंगा व्हीकल टाटा मोटर्स बेगूसराय का, और मेरे पीछे ठीक खड़ी है आप देख सकते हैं टाटा सफारी, जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ड्राइविंग रिव्यू दिया और बताया कि गाड़ी कैसी है। तो यहाँ पे जो हमारे डीलर हैं वो श्री रविंदर जी हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको, ठीक है? वो थोड़े गाड़ी के डिटेल्स के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, और टाटा की किसी गाड़ी की बुकिंग के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप श्री रविंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी होगी वो आपको बता देंगे, गाड़ी की बुकिंग होगी उनसे आप करा सकते हैं, या आप गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेना हो तो भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले मेरे व्यूअर्स को हाय कहिए। हेलो, मैं रविंद्र कुमार, यहाँ पे गंगा व्हीकल्स में मैं एज ए DSC काम करता हूँ। तो अभी इन्होंने सफारी के बारे में आप लोगों को बताया होगा, ये 7-सीटर SUV आता है जो आपको लैंड रोवर का फील कराता है। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो लैंड रोवर को ये सफारी नाम से बेचा जाता है। जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं वो या तो लैंड रोवर खरीदते हैं, अगर हिंदुस्तान में लोगों मीडियम क्लास के लोग हों तो वो सफारी नहीं। भाई सही में ये बात सही है, मुझे भी चला के वही वाला फील आ रहा है। आप सफारी को चलाएंगे, टाटा हैरियर को चलाएंगे, माशाल्लाह कमाल की फीलिंग आने वाली है। मतलब गाड़ी चला के आपको फील होगा कि आप एक बड़ी और महंगी गाड़ी चला रहे हैं, और जैसा ये बता रहे हैं सच में ये गाड़ी को रीब्रांडिंग किया गया है किससे? लैंड रोवर। हाँ, रेंज, सच में इस गाड़ी को रेंज रोवर से रीब्रांडेड करके टाटा लॉन्च कर रही है इंडिया में, और इस गाड़ी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, टाटा का नेक्सॉन, फिर टाटा का हैरियर और इसके बाद टाटा का सफारी, कितना बढ़िया रिस्पांस मिला है। अभी जो मैंने ये गाड़ी सर ने आपको दिखाया है, ये एग्जेट प्लस मॉडल है और ये सनरूफ के साथ आती है। तो हम गाड़ी के पास आपको ले चलते हैं आगे से, तो देख रहे हैं आपको ये असेंबली जो है ये लाइट का, इसका लुक जो है ना इन्हेंस करता है ज़्यादा। तो हमारे व्यूवर्स को या जो भी चैनल देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको अपना नाम, मोबाइल नंबर और शोरूम का पूरा डिटेल्स एड्रेस बता दें, ताकि कोई भी कस्टमर अगर कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो आराम से कांटेक्ट कर ले, और उसको जो भी क्यूरी हो आप बता दें या टेस्ट ड्राइव हो तो दिलवा दें आप। रविंद्र कुमार मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर है 7979872714।
अगर किन्हीं को इस गाड़ी के बारे में जानकारी लेना हो या परचे हाँ बुकिंग कराना हो तो बेशक उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, घर बैठे सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। इवन टेस्ट ड्राइव वगैरह वगैरह लेना है ऑन स्पॉट, आप एक बार कॉल करेंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, आपको ऑन स्पॉट टेस्ट ड्राइव दे दिया जाएगा। वैसे मैं इनका नंबर वीडियो में नीचे भी दे दूंगा, आप किसी भी इंक्वायरी के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।